लीजिए जलपान कीजिए, ये लीजिए राजकुमार मालेराव भी आ गए। महाराज की जय हो। ये आपके मेहमान हैं, इसीलिए इनका आदर सत्कार कर रही थी। महाराज वो वाड़े के काम को आगे बढ़ाने के लिए जो धनराशि चाहिए थी वो मिल जाएगी। जितनी भी धनराशि चाहिए मिल जाएगी। अगर पीएचडी या अग्रिम भुगतान के लिए भी धनराशि चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। सुन लिया आप लोगों ने? जी। अब विशेष ध्यान दीजिएगा कि माले राव के सपनों के वाड़े का काम रुकने ना पाए। पेटियों में इतना धन है कि इस धन में बहुत बड़ा वाड़ा बनेगा। बहुत बड़ा? विशाल काय, ऐसा किसने सोचा ना हो। इससे पहले भी बहुत धन आ चुका, आगे और भी धन आएगा, तो छोटा सा टुकड़ा है। रुको,
इसे हाथ लगाने का हमें कोई अधिकार नहीं। जिनके लिए हमने ये कार्य किया है पहले उन्हें यहाँ आने दो। ये आप क्या कर रही हैं छोटी रानी जी? हमने ये सब आपके लिए किया है, धन के लिए नहीं। हम ये नहीं ले सकते। देखिए, मैं आपकी भावना समझ सकती हूं और आपने बड़े साफ मन से मेरे लिए ये कार्य किया है। आप मेरे वफादार सिपाहियों में से हैं। आप मेरे लिए जान पर भी खेल जाएंगे ये भी मैं जानती हूं। मेरे कहने पर आपने डकैतों का वेश धारण करके ये धनराशि लूटी है, इसीलिए। और जैसे कि आपको बताया था, ये धनराशि हमारे लिए नहीं बल्कि मालवा की जनता के लिए है। इस लूटे हुए धन से मालवा के जल परियोजना का कार्य पूरा होगा। हर कार्य का एक मूल्य होता है और आपने ये कार्य मेरे लिए किया है, इसलिए वो मूल्य अदा किया जाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। नहीं छोटी रानी, इसी वजह से हम ये धनराशि नहीं ले सकते। इतने नेक कार्य में हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ दे रहे हैं और हमेशा आपका साथ देंगे, यही हमारे लिए सौभाग्य है। इसीलिए हमें यह धनराशि देकर शर्मिंदा ना करें। डाकू आए, हमारा धन लूटकर चले गए और तुम कह रही हो कि हम शांत रहे? हाँ, तो अगर वो डाकू आपका धन लूटकर चले गए, आप उन्हें ढूंढकर सजा दीजिए। अपने ही वफादार सिपाहियों को अपने मृत्यु दंड क्यों दे दिया? इसमें उनका क्या कसूर? वो लोग तो बस अपना काम कर रहे थे। काम कर रहे थे तो फिर गड़बड़ कैसे हुई? चलो माना कि कोई कसूर नहीं है उनका, पर लापरवाही करके लूट की वजह तो वो लोग बने ना, और उस लूट की वजह तुम भी हो। हम वजह कैसे? क्योंकि तुम्हारी नजर लगी हुई थी हमारे नए वाड़े पर, हमारी महत्वाकांक्षाओं पर। ना ही हो, हम ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि तुम कभी नहीं चाहती थी कि हमारे सपनों का नया वाड़ा बने। बहुत कोशिश की है ना तुमने, आई साहब के कान भरे, और आज इस हादसे के बाद तुम तो बहुत खुश हुई हो, है ना राजकुमार जी? अब हमेशा हमें गलत ही क्यों समझते हैं? हम आपका बुरा क्यों चाहेंगे? हम तो आपकी भलाई। अरे नहीं चाहिए हमें तुम्हारी भलाई।
मत करो हमारी भलाई, और तुम अभी के अभी यहां से बाहर जाओ, जाओ। माले राव, ये क्या कर रहे हो माले राव? मैं ना, तुम जाओ, मैं बात करती हूँ माले राव से। ये क्या तरीका है अपनी पत्नी से बात करने का माले राव? और ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया जो अपना गुस्सा उस मासूम लड़की पर निकाल रहे हो तुम? क्या हुआ बताओ मुझे? डाकुओं ने हमारा धन लूट लिया है काकी साहब। क्या डाकुओं ने तुम्हारा धन लूटने की हिम्मत? मालवा के राज्य में डाकुओं का कहर फिर से? मतलब तुम्हारी धन राशि के साथ सिपाही मौजूद नहीं थे क्या? थे ना, थे, पर उनकी लापरवाही की वजह से हमने उन सिपाहियों को मृत्यु दंड दे दिया है। और यहाँ जी मैं ना, हमें ज्ञान देने आई। हे शिव शंभु, ये क्या हो गया? ऐसे कौन से डाकू हैं जिन्होंने मालवा के शाही खजाने को लूटने की हिम्मत की? मालवा के डाकू तुम्हारी आई साहिब के नाम से कांपते हैं। किशन नायक और जीवा जैसे डाकू ने भी आत्मसमर्पण कर दिया था, फिर ये नए डाकू कहां से पैदा हो गए? जहां तक मुझे पता है, अहिल्या ने जगह जगह छावनियां बनवाई थी डाकुओं का मुकाबला करने के लिए। हाँ मालेरा, मालवा को डाकू मुक्त कराने का बीड़ा तुम्हारी आई साहेब ने ही तो उठाया था। फिर ये डकैती कैसे? जहां तक मैं तुम्हारी आई साहेब के पराक्रम को जानती हूँ, उस सूरत में दो ही तरह के डाकू ये डकैती कर सकते हैं। पहले वो जो तुम्हारी आई साहेब से ज्यादा पराक्रमी और बलशाली हो, लेकिन मालेराव उनकी भी गुंजाइश नहीं लगती। और दूसरे वो जिन्हें अहिल्या का साथ मिला हो, पर उसकी भी गुंजाइश कम है। काकी साहब, यहाँ पर हमारा धन लूट लिया गया है, पर आप अटकले लगाकर हमें परेशान कर रही हैं। अटकले ही सही निशाने का मार्गदर्शन देती हैं मालेरा। तुम एक बार अपनी आई साहब से जाकर बात करो ना, वो आ तो गई होंगी ना। वापस आ गई होगी? कहाँ गई थी आई साहब? मेरा मतलब है, जब भी मैं तुम्हारे काका साहब से पूछती थी तो वो हमेशा यही बताते थे कि अहिल्या के साथ किसी खुफिया मुहिम पर जा रहे हैं। और इत्तेफाक देखो मालेरा, जब अहिल्या, तुम्हारे काका साहब और यशवंत जी इस वाड़े में नहीं थे, उसी समय लूटपाट हुई। मेरा मतलब है, अगर वो सब इस वक्त उस वाड़े में होते तो कुछ ना कुछ तो करते ना। आई साहब का सुबह से बाहर जाना और लूट होना, क्या ये बस एक इत्तफाक है या? बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हो मालेरा। हमने सारा हिसाब देख लिया, हमें सब ठीक लग रहा है। अरे मुक्ता, तुम यहाँ? तुम्हें हिसाब किताब में रुचि कब से होने लगी? वो अजीब, ये कहते हैं कि राजगति से जुड़े हर व्यक्ति की एक जिम्मेदारी होती है कि उसे इन सब चीजों से जुड़ा होना चाहिए, वरना वो राजगति से जुड़ा नहीं होता। बस इसीलिए। और इसीलिए तुमने अपने इनकी बात मान ली? अरे अहिल्या, हमारी मुक्ता को हिसाब किताब में रुचि होने लगी है। अरे वाह, लेकिन ऐसे कैसे? वो ऐसे कि मुक्ता के उन्होंने कहा है कि जो भी राज दरबार में रहता है उन्हें कोई ना कोई जिम्मेदारी तो निभानी चाहिए, और इसीलिए इन्होंने
आपने उनका कहना मान लिया। क्या बात है मुक्ता, अनजाने में ही सही आई, लेकिन मुक्ता के मन में यशवंत के लिए जगह बनने लगी है। सुन के अच्छा लगा बेटा। अरे अहिल्या, तुम सुबह से कहाँ थी? आई साहेब सुबह से कहाँ गई थी गंगो बतात्या? देखिए गंगोबाई तात्या, सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए आपका ये कर्तव्य है ये पता रखना कि राजघराने के लोग कब, कहां और क्यों जाते हैं, क्योंकि जब आप हमारे पीछे गुप्तचर लगा सकते हैं ये जानने के लिए कि हम कहां गए थे, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आई साहब कहां गई थी। और हां, हम आपसे पूछ नहीं रहे गंगो बतात्या, हुक्म दे रहे, बताइए कहां गई थी आई साहब? वो अहिल्या, हम केवल पूछ रहे हैं कि तुम सुबह से कहां थी। अहिल्या सब ठीक तो है ना? आई, मैं आपसे झूठ तो नहीं बोल सकती और सच बताने का भी समय नहीं है। आई आजी, क्या आप भी इधर उधर की बातों में फंस गई हैं? हम इतने दिनों बाद लौटे, तो आपके साथ और आई के साथ थोड़ा वक्त तो बिताने दीजिए। और आई साहब का क्या है, वो तो अपने जल कल्याण में फंसी रहती हैं और अपने काम के लिए इधर उधर जाती रहती हैं, तो कब कहाँ जाती हैं ये किसे पता रहता है? चलो जल्दी करो, मल्हार सरकार आते ही होंगे और वो आने से पहले उनका मनपसंद खाना तैयार होना चाहिए। हाँ जल्दी करो। हरकुरानी साहब, आप भोजन तो तैयार कर रही हैं, लेकिन एक बार चक्कर तो देखिए, देखिए तो सही कि कैसा बना है। रखमा तुम्हें चख लो ना। अरे लेकिन मुझे तो वैसे भी कुछ समझ में नहीं आएगा, अगर गौतम रानी साहब चखें तो? वैसे भी जब तक वो भोजन का स्वाद ना चखे ना, तब तक मजा ही नहीं आता। तो एक काम करो, उनको ही चखवाओ। हाँ हम सब लोग तो जानते ही हैं कि हमारी आय साहब कितनी पराक्रमी है। क्यों मुक्ता, जानते हैं ना हम सब लोग इतनी पराक्रमी है कि सिर्फ मालवा ही नहीं, ये पूरे देश के डाकू लुटेरे इनके नाम से थर थर कांपते हैं। क्यों आई साहब, सही कहा ना हमने? क्योंकि हम आपके पराक्रमों को तो झूठा साबित होते बिल्कुल नहीं देख सकते, और ये है पुराना सच कि मालवा के लोग आपके राज में डाकुओं से बिल्कुल सुरक्षित थे। सही या गलत? तो फिर ये कैसे हुआ? हमारी धनराशि की डकैती कैसे हुई आई साहब, कैसे? कहां से पैदा हो गए ये नए डकैत? हाँ, इन्होंने आम इंसान पर नहीं बल्कि सीधे शाही खजाने पर हाथ डालने का दुस्साहस किया। बोलिए आई साहेब, बोलिए। बालाराव, आवाज नीची करके बात कीजिए अपनी आई साहिब से। हम आपको पहले भी कह चुके हैं
कोई तरीका नहीं अपनी आई साहब से बात करने का। तरीका? हाँ, तो हमें आई साहब से तरीके से बात करनी चाहिए। बात तो सही है, तो हमें आई साहब के सामने हाथ जोड़कर, सर झुकाकर पूरी विनम्रता से बात करनी चाहिए। है ना आजी साहब, आप ऐसा ही चाहती है ना? लेकिन हम दूसरा तरीका इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें एक डाकू से ऐसे ही बात की जाती है, और ये है नया झूठ कि धनराशि की लूट डाकू ने की है। माने रहो, माफी मांगी अपने आई साहिब से। हमने कहा वाले राम, माफी मांगी अपने आई साहिब से। माफी? हम किसी मुजरिम से माफी नहीं मांगेंगे। बल्कि एक मुजरिम, एक डाकू माफी मांगेगा। डाकुओं का अस्तित्व खत्म करने वाली आज की डाकू। हमारी आई साहेब हमारे सामने खड़ी है। अहिल्या तुम चुप क्यों? कुछ बोलती क्यों नहीं हो? माले राव, बदतमीजी से तुमसे बात किए जा रहा है और तुम चुपचाप सुन रही हो, कुछ बोल नहीं रही हो। कि तुम पर बेमतलब के इल्जाम लगाए जा रहा है और तुम चुपचाप खड़ी हो और तुम कुछ नहीं बोल रही हो। कुछ तो बोलो अहिल्या, कुछ तो बोलो। अजी साहिब, ये क्या बोलेंगी? इनकी चुप्पी भी चीख रही है। चीख चीख कर बता रही है यही सच है। राय साहेब इस सच को मानने के लिए तैयार है। सही कह रहे हैं ना हम? मुक्ता, सरकार मल्हार राव होलकर जी की जय। 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 सरकार
क्या बात है अरकुरानी साहब, क्या हुआ? कुछ नहीं, आपका स्वागत है। हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। वो हो रहा है जो आज तक इस वाड़े में कभी होता नहीं था। गौतम रानी साहब कहाँ है? हमारे स्वागत के लिए वो क्यों नहीं आए? सरकार वो क्या हो? इतनी बड़ी बात हुई, इतना बड़ा राजनीतिक संकट आया और तुमने अहिल्या हमें एक संदेश भेजना जरूरी नहीं समझा? बाबा साहेब, आप मुहिम के लिए गए थे और मुहिम के दौरान आपका ऐसी बातों के लिए ध्यान भटकाना मैंने सही नहीं समझा और जरूरी भी है। अहिल्या, कैसी बात कर रही हो तुम? ध्यान भटकाना जरूरी नहीं समझा, भले ही मालवा अपने रास्ते से भटक जाए। आज ये जो घटना घटी है ना, तुम्हें दरबार से हटा दिया गया, इससे हमें बहुत आहत हुई है। जब से तुम्हें देखा है इतनी सी थी, यही तो सपना था हमारा, सपना है कि तुम्हें राजगद्दी पर बैठकर मालवा की सेवा करनी है। आज बहुत दुख हुआ है हमें, और तुम माले राव, दरबार की जिम्मेदारी हम तुम पर सौंप कर गए थे ना। क्या कर्तव्य था तुम्हारा? यही कर्तव्य था ना कि जो भी छोटी मोटी घटना घटे, घटती रहे, जो भी छोटे बड़े फैसले लिए जाए उसके बारे में हमें सूचित करेंगे, था ना ये तुम्हारा कर्तव्य? जी, आप तो हमारे मालवा के दाहिने हाथ रहे हैं, विश्वस्त रहे हैं। हमेशा हमसे कहते हैं कि जब भी आप मालवा से दूर रहेंगे, इस वाड़े से दूर रहेंगे, तो भी दरबार का कामकाज शांतिपूर्वक चलता रहेगा, और हम भी निर्धास्त होकर आश्वस्त होकर जाते थे। ये जिम्मेदारी निभाई आपने, इतना कुछ उलट फेर हुआ, हमें कोई सूचना क्यों नहीं मिली? ये जिम्मेदारी थी ना आपकी कि किसी भी हाल में हर प्रमुख घटना के बारे में आप हमें सूचित करेंगे। यह जिम्मेदारी निभाई आपने। अहिल्या को दरबार से निष्कासित किया गया और आप चुपचाप तमाशा देखते रह गए, क्यों बताइए? सरकार वो गंगूबा, बाबा साहेब, गंगूबा काका का इसमें कोई कसूर नहीं है, बल्कि ये फैसला सभी दरबारियों का था। मतदान प्रणाली से इसका निर्णय हुआ था, और जल परियोजना के लिए जब मतदान हुआ तब इन्होंने सफेद फूल रखकर मेरा ही पक्ष लिया था। लेकिन फिर भी मैं हार गई। नहीं अहिल्या, नहीं, हम किसी ऐसी मत प्रणाली को नहीं मानते जो अहिल्या को अपने अधिकारों से वंचित कर दें।
गंगोबा, आप जितनी जल्दी हो सके दरबारियों को दरबार में बुलवाइए। हम इस निर्णय को निरस्त कर देते हैं। जी नहीं दादा साहब, ये निर्णय अब निरस्त नहीं हो सकता। क्या कहा? हमारे निर्णय को चुनौती दोगे? अपने दादा साहब के निर्णय को? मल्लारा होलकर के निर्णय को चुनौती दोगे तुम? क्या पूछ रहे हैं? नहीं दादा साहब, आप बस हुकुम कीजिए, हम अभी राजगद्दी को छोड़ देंगे। सिर झुकाकर आदर पूर्वक आई साहब को राजगद्दी पर बिठा देंगे। लेकिन आपको कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। आप हमें राज दरबार का कामकाज सौंप कर गए थे ना, और यही सोच कर ना, जब भी हमें आवश्यकता पड़े तो हम निस्वार्थ भाव से अपनी प्रजा के हित में निर्णय ले सके, है ना? हाँ तो दादा सर, आपने हमें जिम्मेदारी दी थी कि हम जो भी निर्णय लें उन सभी निर्णयों में कोई भी नीची या राजनैतिक संबंध या किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं आना चाहिए। फिर चाहे वो आई साहब भी क्यों ना हो। ये सब कुछ सोचकर ही आपने ये सारी शक्ति हमें दी थी ना। और दादा साहब, आज हम आपके दिखाए रास्ते पर अड़िग होकर चल रहे, तो आप ये कहना चाहते हैं कि हमने गलत निर्णय लिया है? क्या आप उन सभी निर्णयों को वापस लेना चाहते हैं? दादा साहब, हमने तो बस आपके सिखाए प्रजातंत्र के कार्य का अनुसरण किया है। और हाँ दादा साहब, हमने आई साहब को उनके पद से नहीं हटाया है। बल्कि दरबार के बाकी 40 दरबारियों ने आई साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया है। दादा साहब, हम तो बस उस राजगद्दी के पदाधिकारी होने के नाते दरबार के नियमों का पालन कर रहे थे। आप तो राजा हैं, आपका हुकुम सराखों पर। और उस आदेश को मानने के लिए हम तो क्या, पूरा मालवा प्रस्तुत होगा। पर हाँ दादा साहब, उस समूह में सबसे आगे हम खड़े होंगे। दादा साहब, अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपके दिखाए रास्ते पर चलकर अगर हमने कोई गलती की है, तो हम अभी आई साहब को उनकी गद्दी वापस लौटा देते हैं।
दरबारियों को हम समझा देंगे, बात कर लेंगे हम उनसे। आई सर, हमें क्षमा कर दीजिए, हम स्वीकार करते हैं कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है साहब। दादा साहब के उसूलों पर चलते चलते हम ये भूल गए थे कि हम आपके बेटे भी है। आए साहब, क्षमा कर दीजिए हमें, माफ कर दीजिए हमें आई साहब। ये आई साहब का लूट वाली बात से क्या संबंध है? मैं कुछ पूछ रही हूँ। ये आप क्या पूछ रही हैं? मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्यों जबरदस्ती कर रही हैं आप? देखिए, ये आपके जानने लायक बात नहीं है। ठीक है, वैसे भी मैं तो बस कहने भर के लड़धांगी नहीं, अब सच में मुझे मानते थोड़ी ना। ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है, पूछ रहे ना? अच्छा, समझ गई। आपको लगता है कि मैं आपके और राय साहब के खिलाफ चली जाऊंगी? नहीं राजकुमारी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लेकिन मैं आपसे इस बारे में बात नहीं कर सकता। आप क्यों नहीं समझ रही हैं? मैं समझ गई, और बहुत अच्छे से समझ गई कि आप में और मेरे दादा में कोई फर्क नहीं है। आप भी स्त्री को घर में सजी हुई वस्तु से ज्यादा और कुछ नहीं समझते। आप नहीं समझते कि आपकी पत्नी आपकी दोस्त है, आपकी जीवन साथी है, वो तो केवल नहीं 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 राजकुमारी, आप मेरे जीवन का वो हिस्सा है जो मुझे पूरक बनाता है, समझ रही हैं आप? फिर बताइए बताइए कि आई साहब का लूट वाली बात से क्या संबंध है, बताइए। आई साहब, अब चलिए। चलिए आई साहब, अब चलिए। हम अपने अपराध का प्रायश्चित स्वयं करना चाहते हैं। हम अभी आपको आपकी राजगद्दी वापस दे देंगे। अब चलिए आई साहब, चलिए। देखा दादा साहब, चलिए आई साहब, चलिए ना। माले राव, दादा साहब, हम समझ सकते हैं कि आपको आई साहब पर बहुत विश्वास है, लेकिन हम इस बात को अनदेखा तो नहीं कर सकते है ना कि लूट शाही खजाने से हुई है। फिर वही बात, तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आ, बार बार अहिल्या पर इल्जाम लगाए जा रहे हो। नहीं दादा साहब, नहीं, आप हमें गलत समझ रहे हैं। हम आई साहब पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहे, हम वो बोल रहे हैं जो सच है, जो हमें हमारे विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है। लेकिन दादा साहब, अगर आप कहेंगे तो हम इस बात को अभी दबा देते हैं, हम कुछ नहीं कहेंगे इसके आगे।
तुम्हारे बात में तर्क तो है। शाही खजाने की लूट हुई है, ये गंभीर मामला है, इसकी जांच पड़ताल तो होनी चाहिए। हाँ दादा साहब, इसकी जांच पड़ताल दरबार में हो सकती है, और मुझे लगता है कि दरबार में ही इसके जड़ तक पहुंचा जा सकता है। वो क्या है ना दादा साहब, आई साहब पर संदेह की सुई अटकी हुई है, तो आई साहब को दरबार में लेकिन दादा साहब अंतिम निर्णय आप ले लीजिए। और दादा साहब, अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि आई साहब को दरबार में पेश करने से इस भाड़े की इज्जत कम हो जाएगी, तो हम सब लोग भूल जाते हैं कि लूट हुई है, और हम उन लोगों का मनोबल बढ़ने देते हैं जो लोग इसमें शामिल थे। और हाँ दादा साहब, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? आप अपनी आई साहिब को दरबार में पेश करना चाहते हैं? रानी साहिब, यहाँ बात नियमों की हो रही है, इंसाफ की हो रही है। ठीक है, मान लेता हूँ। हमारी गैर हाजिरी में तुमने राज्य की जिम्मेदारी संभाली थी, हम तुम्हारे निर्णय का मान रखते हैं। कल अहिल्या दरबार में आएगी, पर अगर तुमने उसे गलत साबित कर दिया तो उसे सजा भी होगी। जी, क्या आई साहब को कल दरबार में? हाँ मुक्ता, कल अहिल्या को भरी दरबार में अपने आप को निर्दोष साबित करना होगा। लेकिन अजी, अगर आई साहब दोषी साबित हो गई तो क्या मुझे सजा हो जाएगी? नहीं बेटा, रो मत, नहीं, तुम्हारी आई को कुछ नहीं होगा, और हमारी अहिल्या दोषी थोड़ी ना है, तो फिर उसे सजा क्यों होगी भला? बस रोना नहीं। लेकिन अगर राजकुमारी जी, शांत हो जाइए, बस रोना नहीं बेटा। चलो इधर बैठो, आओ, चलो बैठो, बैठो, चुप, बिल्कुल चुप, बिल्कुल नहीं रोना, तुम्हारी आई को कुछ नहीं होगा। हाँ यशवंत, बेटा संभालो मुक्ता को, उसने इस बात को अपने दिल पे ले लिया है। जी हम आते हैं। अगर आई साहब दोषी साबित होगी तो क्या होगा? शांत हो जाइए आप राजकुमारी, चुप हो जाइए। आपका ये व्यवहार छोटी रानी के खिलाफ जा सकता है, उनके खिलाफ सबूत का काम कर सकता है, समझ रही हैं आप? शांत हो जाइए, उन्हें कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूं ना, उन्हें कुछ नहीं होगा, शांत हो जाइए।
ये क्या, ये मुक्ता इतनी विचलित क्यों है? जरूर कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।